होगी, शिव पुराण वैसे ही होगी, देवी भागवत भी वैसे भी होगी, सारी की सारी कथा। क्योंकि जिसने हरि को अपना लिया तो हर कथा में व्याख्यान तो उस हरि का ही है, क्योंकि हमारा जीवन स्वरूप और रूप पे टिका पड़ा है। अरे हमने जिस भाव में अपने ठाकुर को स्वीकार करके आराधित को आराध्य कर लिया, उसी स्वरूप में वो हृदय में बैठ करके अपना काम करवा लेता है। भाई बहन, आए एक छोटा सा गीत, पुनः कथा की ओर चलेंगे। Thank you.
कथा का श्रवण कर रहे हैं तो ये पूर्व समय से प्रारब्ध में सुनिश्चित है, ये मैं आपको बता रहा था। जिस तरीके से भगवान का अवतार होना था राम का, तो पहले जामवंत जी के स्वरूप में ब्रह्मा जी का अवतार हो गया, आदिशक्ति जानकी के स्वरूप में आ गई, रुद्र देवता हमारे भगवान शंकर हनुमान के स्वरूप में आ गए। यानी भगवान का अवतार बाद में हुआ, पहले पार्षदों का अवतार। ठीक उसी तरीके से अगर आप हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप प्रभु के पार्षद हैं। नहीं, जो कथा किम कांचन की माणिक्यम कौम सुधा, ये कहा गया हो कि कहां सुधा, कहां अमृत, कहां भागवत कथा। जो कथा देवताओं को सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, उस कथा का श्रवण का लाभ अगर आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से प्रभु की कृपा आप पे बरस रही है। यह पूर्व समय निर्धारित है। आज मेरा 2-3 घंटे का आप लोगों का संपर्क है, उसके बाद तो बाबा अपने देश। लेकिन आपको एक चीज बता दूं,